हाय, मेरा नाम निशांत कुमार चौबे है और मैं एक शेफ़ हूँ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कालरा और इनसे हम जानेंगे खाने के बारे में, डायबिटीज़ से रिलेटेड। हर आदमी आज के डेट में, और अगर आप इंडिया में देखें तो मिलेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सो आपका क्या कहना है अबाउट मिलेट्स और ग्रेन्स के बारे में? बिकॉज अगर मैं डायबिटिक प्लेट को देखता हूँ, जो कि उसमें हाफ ऑफ द प्लेट में वेजिटेबल्स होता है, वन थर्ड में ग्रेन्स होते हैं एंड वन थर्ड, उसका जो एक तिहाई भाग होता है उसमें प्रोटीन होता है या फिश या चिकन। सो उसमें मुझे ये जानना है कि अगर हम ग्रेन्स की बात करें, सो आर मिलेट्स गुड सब्स्टिट्यूट फॉर ग्रेन, और व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? दे आर एक्चुअली अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट और अल्टरनेटिव टू ग्रेन्स। तो मिलेट्स मतलब ज्वार, बाजरा, और इसमें हम मक्की भी गिन सकते हैं, कॉर्न। इनका रिलेटिवली जो आकार है या साइज़ है वो बड़ा है, और ये डाइजेस्ट करने मुश्किल हैं, तो हज़म करने मुश्किल हैं ये। इसलिए ये शुगर में फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब हम मिलेट्स खाएंगे उनसे धीरे धीरे शुगर बढ़ती है, बॉडी संभाल लेती है उसको। पर जब हम पॉलिश्ड राइस खाते हैं या सूजी या मैदा लेते हैं, उससे तुरंत शुगर बढ़ती है। तो मिलेट्स का एक्चुअली हमें कंजम्पशन इनक्रेज करना चाहिए। हमें साथ में ये भी याद रखना चाहिए कि कोई भी ऐसा एक सिंगल ग्रेन नहीं है जो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमें दे, सारे के सारे अमीनो एसिड्स या प्रोटीन्स दे। तो जो बैलेंस्ड डाइट है उसका मतलब क्या है? एक तो जो हमारी प्लेट है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। हर प्लेट में, हर खाने में कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, प्रोटीन्स भी हों और फैट्स भी हों। दूसरा, हर हफ्ते हर तरह के ग्रेन्स होने चाहिए। तो सपोज हमने हफ्ते में 3 दिन चावल खाए, हफ्ते में 2 दिन हमने गेहूँ खाया, तो हफ्ते में 2 दिन हम मिलेट्स या मक्की या बाजरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा खाना जिसमें 30 के 30 दिन सिर्फ चावल चल रहा है या 30 के 30 दिन सिर्फ गेहूं या मिलेट्स चल रहा है, वो नुकसानदेह हो सकता है। सो डॉक्टर साहब, जब हम फैट की बात करते हैं, बिकॉज खाना विदाउट फैट बनना बहुत मुश्किल है, तो हाउ मच फैट वुड यू से कि कितना फैट खाना चाहिए? और ये भी एक जनरल अजम्पशन है कि घी इज़ वेरी गुड। लोग बोलते हैं घी खाओ, यू नो, घी खाने से सेहतमंद हो जाते हैं। तो व्हाट डू यू रेकमेंड? Fat is essential for life. It's essential part of food. But too much fat is bad. In general, हमारे खाने का around 15% जो है वो fat होना चाहिए। पर दो तरह के fat होते हैं, एक है visible जो हमें दिखता है, और एक है invisible जो हमें नहीं दिखता। Invisible fat जो हमें नहीं दिखता वो पनीर में, दूध में, सब्जियों में और अनाज में भी है। Visible fat जो हमें दिखता है वो है देसी घी और तेल, कुकिंग ऑयल। तो जो कुकिंग ऑयल है हमारा या देसी घी, वो जो टोटल होना चाहिए दैट शुड बी रफली 15 grams पर पर्सन पर डे। तो अगर घर में 4 लोग हैं रसोई से खाने वाले, तो 15 चौके 60, 60 × 30, 1800 ग्राम पर मंथ हमें घी या तेल खरीदना है एक 4 लोगों की फैमिली के लिए। और अभी हमने इसमें यह भी नहीं काउंट किया कि वो जो 4 लोगों की फैमिली है, कई बार वो घर के बाहर भी खाना खाएगी, और वहाँ पे भी विजिबल फैट बहुत यूज़ होता है बाहर वाले खाने में। पर मान लो हम 1800 ग्राम पे आ गए पर मंथ फॉर अ फैमिली ऑफ 4। अब इसको हम कैसे डिवाइड करें? अब भगवान ने अलग अलग तरह के तेल बना रखे हैं। हर तेल में कुछ ना कुछ एडवांटेज है, हर तेल में कुछ ना कुछ लिमिटेशन या शॉर्टकमिंग है। तो एक एवरेज फैमिली के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, अंदाजन 20% देसी घी, अंदाजन 40% ऑलिव ऑयल या सरसों का तेल, और अंदाजन 40% कोई भी और तेल, ग्राउंडनट ऑयल या सोयाबीन ऑयल। इसका ये मतलब है कि जो इंटेलिजेंट हाउसवाइफ है, जो अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रख रही है, अराउंड 20% सब्जियां वो देसी घी में बनाएंगे, 40% सरसों के तेल में, और 40% किसी भी और तेल में। अगर हम ये रेशियो फॉलो करते हैं तो तकरीबन सारे जो फैटी एसिड्स हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ये सारे के सारे कवर हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आज मैं जो रेसिपी आपके सामने लेके आ रहा हूँ उसमें मैं कीनुआ यूज़ करूँगा। कीनुआ एक सुपर फूड है और इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट टॉक्ड हेल्थ फूड। ये है कीनुआ, इट हैज़ गॉट 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स। इसमें एक और खासियत है कि ये ग्लूटेन फ्री है, और इसमें बिकॉज मैं वेजिटेबल्स ऐड कर रहा हूँ तो मैं सॉल्ट की का यूज़ बिल्कुल नहीं करूँगा। सबसे पहले कीनुआ सैलड की ड्रेसिंग बनाएंगे। फ्रेश ऑरेंज जूस, ये तकरीबन 4 टेबलस्पून है।
एक लेमन को मैंने हाफ में काट लिया है, उसका जूस ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर, इसको विस्क करेंगे। अब हम इस पे डालेंगे कीनुआ जो हमारा ग्लूटेन फ्री है। कीनुआ बॉईल करने का बहुत आसान तरीका है, आप एक कप कीनुआ लेंगे और उसमें डबल पानी डालेंगे और बॉईल तब तक करेंगे जब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए। 4 heaped tablespoons ऑफ कीनुआ, जो होता है वो करीबन 15 ग्राम है, तो अगर आपने 4 यूज किया है तो ऑलमोस्ट 60 ग्राम ऑफ कीनुआ हो गया। अब डालेंगे इसमें हमारा बॉइल्ड किया हुआ चुकंदर, 2, 3 and 4 वेजेस। डालेंगे थोड़ा सा स्लाइस गार्लिक, स्लाइस गार्लिक ऑलमोस्ट 5 ग्राम। अब डालेंगे पालक जिसको हमने पहले से ब्लांच करके रखा है, करीबन 2 tablespoons। और आप ये भी देखिए कि मैं इसमें स्टेम भी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि स्टेम इज़ ए फाइबर और ये आपको आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन देने में हेल्प करेगा। हमने बेसिकली 40 ग्राम्स ऑफ स्पिनच ऐड करना है। अब हम डालेंगे इसमें फालसा जो कि होता है एंटी कार्सिनोजेनिक। इसके बाद डालेंगे हम इसमें पम्पकिन सीड्स। पम्पकिन सीड की खासियत है कि ये आपके ब्रेन को लुब्रिकेट करता है। थोड़ा सा वॉलनट्स जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 teaspoon होगा। थोड़े से मूंग के स्प्राउट्स, थोड़ा सा चॉप कोरिएंडर, हरा धनिया करीबन 1 teaspoon, तो ये सारे इंग्रेडिएंट अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। मैंने ब्लैक पेपर पहले ही डाला हुआ है, सो देयर इज नो पॉइंट एडिंग। और ये मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि दिस इज ए नो सॉल्ट रेसिपी बिकॉज इट हैज गॉट नेचुरल इंग्रेडिएंट जिसके अंदर ऑलरेडी सॉल्ट है। सो अब हम करेंगे इसकी क्विक प्लेटिंग। और ये तैयार हो गया हमारा 100% सुपर डुपर न्यूट्रिशियस कीनुआ सैलेड। कीनुआ, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, यू नो, इसी को बोलते हैं हेल्थ ऑन द प्लेट। व्हाट एल्स यू वांट? कीप ईटिंग एंड स्टे हेल्दी। If you want to defeat diabetes, then visit our diabetes section on this website. Do follow our food-related content with more than 100 nutritious recipes. Diabetes को हराना चाहते हैं तो इस वेबसाइट की डायबिटीज सेक्शन में अधिक जानकारी प्राप्त करें एवं खाने से संबंधित महत्वपूर्ण बातें और 100 से अधिक रेसिपीज फॉलो करें।